दोस्तों नमस्कार। वो जो है ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपका जो सेल होके रहेगा ये गारंटी है। कैसा मालूम है, उसके अंदर मैंने जो सब सारा चीज़ कवर किया है ना, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो पहला पेज जो है, तो पहला पेज क्या है, इंश्योरेंस एजेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है, इसका ओनर सदानंद रहाटे, मैं हूँ ओनर। और अभी देखो, ये पेज के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिखा है। उसके अंदर मैंने लिखा है करंट एक्सपेंडिचर, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल, यानी उसका सामाजिक, उसका कर्तव्य, उसके बारे में दिया है। और नीचे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो लोग भरते नहीं है। और सेविंग किसके लिए करते हैं, मैं आपको बता, इमरजेंसी कुछ फंड लगता है, इमरजेंसी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बीमार आदमी होगा तो इमरजेंसी पैसे लगेंगे दोस्त, बराबर कि नहीं। तो इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग करते हैं आप लोग, बराबर। ग्रोथ के लिए करते हैं, कुछ अपना आगे जाकर आपको बढ़ना है, आगे पैसे जमा करते हैं, ग्रोथ के लिए हर एक आदमी करता है। ये पहले पेज को सबको मालूम है। और आपके गोल्स है लाइफ के क्या क्या है, मतलब कस्टमर के गोल्स के लाइफ में होते हैं, बच्चों का पढ़ाई होता है, बच्चे का शादी भी होता है, और वो क्लाइंट का रिटायरमेंट, उसके लिए उसको पेंशन की ज़रूरत है। ये मैंने पहले पेज के ऊपर दिया है। दूसरे पेज के ऊपर जो है, मैंने मैंने क्या दिया है, मनी शॉवर दिया है, मतलब पैसों की बारिश। तो मैंने क्या किया, ब्रेड विनर है आपको तो मैं व्हाट्सएप में दिया हुआ, मगर उसके अंदर ना मैंने डेमो कॉपी दिया है, तो वो तो आपको यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर मेरा कॉपीराइट है, तो मैंने बनाया है उसको, तो मेरे को इसके खर्चे आ गए बहुत, कम से कम इसे और आगे जा कर के, और ये है तो मेरी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर 10,000 की हो चुकी है अभी तक, क्योंकि एक एक पेज बनाने के लिए आपको पता है क्या क्या है, कितना पैसा लगता है। क्योंकि मैंने DTP वाला जो हायर किया है उसको तो पैसे में दिया था, उसका रिसिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया उससे आपको फ़ायदा होगा, तो मैं फुकट भी दे दूंगा, मगर फुकट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फुकट देने वाली चीज़ होती है ना, वो कभी लोग फेंक देते हैं। कभी भी देखो ना, आपको कुछ भी फुकट मिला ना, आपने पैर से कभी उसको यूज़ किया नहीं, ये सच बात है कि नहीं, आप देख लेना। अभी मनीष ओवर के अंदर मैंने क्या लिखा है, अभी आपको बोलता हूँ ना, मैंने बीच में ब्रेड विनर को दिखाया है, और साइड में उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर है बिजनेस मैन, मतलब वो बिजनेस, उसकी फैक्ट्री है, उसका उसके पेरेंट है ओल्ड है, और उसकी माँ वगैरह ओल्ड है, और उसकी वाइफ है, और बच्चों को केयर करती है, उसकी फैमिली है, और फिर बच्चों का एजुकेशन भी है। अभी ये सब सारा चीज़ तो है, ये ब्रेड विनर के बीच में ब्रेड विनर है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है, इनको तो जब ये ब्रेड विनर पैसा कमाता है ना, तो सबको देता है, किसके लिए, फादर के लिए, ओल्ड एज का प्रोटेक्शन करता है, उनको पैसा देता है, ये तो होता ही है। दूसरा चीज़ मदर है, मदर के लिए, ओल्ड एज के लिए पैसा देता है। तीसरा चीज़ वाइफ को भी घर में कुछ खाना पकाना, ये वो ना, तो रेशन के खर्चा होता है, फूड का, लाइफ का, उसके लाइफ का, उसकी वाइफ है तो उसका लाइफ है ना, तो उसके लिए खर्चा होता है दोस्तों। तीसरा चीज़ बच्चे जो है उनका एजुकेशन करना है, ये सब सारा चीज़ होता है। अभी देखो, अभी मैं जाता हूँ ना ब्रेड विनर का इनकम के ऊपर। अब ब्रेड विनर का इनकम मंथली सपोज 10,000 है, मंथली 25,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, 5,00,000 है, और 10,00,000 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अभी देखो, ये सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मंथली समझो सपोज 1,00,000 रुपए कमाने वाला आदमी है, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर उसका डेथ हो गया तो क्या क्या होगा, एक तो ना फाइनेंशियल लॉस होगा, मतलब जो 1,00,000 आने वाला घर पे तो नहीं आएगा, बराबर ना, तो 1,00,000 नहीं आएगा तो मतलब फाइनेंशियल लॉस होगा, और इमोशनल लॉस होगा। इमोशनल लॉस क्या मालूम है, उसके अंदर ना एक बोलते हैं ना, उसका पहला कारखाना बंद हो गया, काम काज तो बंद हो जाएगा, मतलब उसकी उसकी कंपनी तो बंद हो जाएगी। दूसरा चीज़, फादर के लिए लड़का गया, बराबर, मदर के लिए लड़का चला गया ऊपर, और तीसरा वाइफ के लिए अपना हस्बैंड भी चला गया, सही बात है ना, और तीसरा चीज़ बच्चों के लिए भी अपना बाप चला गया। अभी सपोज 1,00,000 रुपए कमा रहा था, अभी उसका रिप्लेसमेंट होगा क्या, इनकम का कहाँ से पैसा आएगा, 1,00,000 के इनकम का इंश्योरेंस किया क्या, नहीं किया।
अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी ये सपोज अभी उसका डेथ हो जाता है, सपोज 1 लाख है, तो उसके 200 गुना इंश्योरेंस रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, 1 लाख है उसके 200 गुना इंश्योरेंस रहेगा। 1 लाख का 200 गुना कितना होता है बताइए? 1 लाख का 200 गुना 2 करोड़ होता है। अगर 2 करोड़ का बीमा करके रखा है उसने, ध्यान में रखिए, ये 2 करोड़ का बीमा करके रखा है, अगर कल डेथ हो जाता है एक्सीडेंटली आपको 3 करोड़ मिल जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ का ही एक्सीडेंट बेनिफिट है, बराबर। और फिर 1 करोड़ और आपको एक और 1 करोड़ देना है तो आप अलग से अपना ना एक्सीडेंट इंश्योरेंस उसका ले लो, तो 4 करोड़ भी दे सकते हैं एक्सीडेंट में। अगर नेचुरल डेथ हो गया तो 2 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, वो 2 करोड़ जो है सीधा जाकर LIC के जीवन शांति प्लान में डाला। 5% उसका ये पकड़ लीजिए, क्या पेंशन पकड़ लीजिए, 2 करोड़ के ऊपर कितना आएगा पेंशन, मंथली 1 लाख रुपए आ जाएगा ना आराम से। मतलब ये ऊपर जाकर भी पैसा उसके फैमिली में आएगा, ये उसको बोलते हैं मनी शॉवर। अगर ये मनी शॉवर जो है, तो मैंने इसके अंदर आराम से बहुत अच्छी ढंग से मैंने सीखा, अगर अपने बोलते हैं ना उसके अंदर मनी शॉवर स्टॉप, अभी ये मनी शॉवर स्टॉप भी होता है और भी ऑन भी होता है, चॉइस इज योर किसको क्लाइंट को बोलने का। अभी देखो यहाँ पर डेथ हो गया, डेथ होने का इस सब सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो फिर ऊपर से पैसा आ जाएगा ना, तो आपकी मतलब कस्टमर की ना प्रतिमा ना घर पे ना उसकी वाइफ लगाएगी, पूजा करेगी, बहुत अच्छा काम करके लिए मेरे हमारे घर पे 2 करोड़ रुपया छोड़ के गए, तो उसकी पूजा तो होने वाली, देने वाले की पूजा होती इतना है। तो यहाँ पर क्या मालूम है, यहाँ पर इमोशनल लगा, हमने क्या किया उसका, यानी इंश्योरेंस दे करके उसका जो फाइनेंशियल लॉस को हमने बचा लिया, बराबर। उसको 2 करोड़ आ गया, फैमिली ने सीधा अपना LIC का जो जीवन शांति प्लान में डाला कि जीवन अक्षय में डाला, तो भी अच्छा रिटर्न आएगा। तो रिटर्न आ गया, तो फिर फैमिली उसकी सिक्योरिटी हो गई कि नहीं, उसका इनकम जो है ना नीचे रहते हुए भी वो दे रहा था, और ऊपर गया तो भी उसको डिपॉजिट दिया 2 करोड़ का मिला, फैमिली को डेथ क्लेम मिला, तो उसका फैमिली सिक्योर होगा कि नहीं। एक्सीडेंट हो गया तो चांदी 4 करोड़ हो जाएगा, मतलब दूसरी जगह से LIC का लिए 1 करोड़ का मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है, आपको पता है। अभी ये तो सब आपको पता लग गया, ये मैंने उसके अंदर ये एकदम अच्छी ढंग से मैंने ये मैं बनाया हुआ इसका एक, मैं बोलता हूँ ना आप 1000 में ले रहा हूँ ना, उसका कुछ ना कुछ कीमत दे रहा हूँ आपको। ये एक पॉलिसी भी बेचा गया ना 1 करोड़ का ना, ये सारा एक हज़ार कुछ भी नहीं आपके लिए। अभी आप सोच लो, आपको चाहिए तो आप ले लो, मैं फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। अभी पहला टॉयलेट करने के लिए फ्री मिलता था, वहाँ पे भी 2 रुपए लगते हैं, वहाँ पे भी झगड़े होते हैं, मतलब आज कुछ भी फ्री नहीं है। हवा पानी आपको जो फ्री मिल रहा है ना, हवा पानी जो आपको बोल रहे हैं ना फ्री मिला, पहला पानी फ्री मिलता था, हवा भी बेचना शुरू किया, वो ऑक्सीजन वो कोरोना काल में तो बेचे ही ना लोगों को, अग्नि वायु पानी पृथ्वी और आकाश भी बेचा जाता है, आकाश मतलब ये पोकली भी बेची जाती है, पोकली बेची जाती है, मतलब 5 तत्वों को बेचा जा रहा है। तो ये जो क्या, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू है इसमें, क्या ये सब जो है ना, ये भी अभी बेचने रहे, ये भी फ्री नहीं मिल रहे। मेरे को बोलने का उद्देश्य क्या है, आपको कुछ भी दोस्तों फ्री नहीं मिलेगा, आपको लेना होगा तो आप मुझे जीपे करो, मैं आपको एक नंबर दूंगा 9323930169, ये जो नीचे चल रहा है नंबर ना उसके ऊपर जीपे कर लीजिए, इमीजिएटली आपको ये मैं PDF भेज दूंगा, आप जा करके आप साइबर कॉपी में प्रिंट आउट करिए, काम शुरू कर लीजिए, पैसा कमाना शुरुआत कीजिए। किसमें ये मनी शॉवर आपका ये हो रहा है, आपको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है मनी शॉवर, वो आपके ऊपर है, किसको क्लाइंट को आपको बोलना है। और तीसरा चीज बोलते हैं ना पार्टी ना कभी कभी ना एक आपको ना एक ऑब्जेक्शन देती है, हाँ एक ऑब्जेक्शन मतलब कैसा होता है मालूम है, एक मैंने ऐसा देखा इफ फॉर्मूला विच इज़ बैंक सेविंग, तो बैंक सेविंग में आप देखो वो बैंक सेविंग में इस फॉर्मूला क्या करता है अपने एक ना कैसा धीरे 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 पैसा बढ़ते जाएगा करके, ऐसे मैंने रुपीज का एक ये क्या बोलते हैं ना मैंने बटवा बांध के रखा है, और ये 18 साल से लेकर 60 साल तक वैसे वो बटवा बढ़ते जाएगा,
ये तो होता है, मगर ये ऊपर ये पैसा जो है ना 18 साल से 60 ईयर्स तक इतना बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। मगर मैं आपको खाली इसको मैंने बोला है सेव एंड क्रिएट, मतलब कैसा सेव कर रहा है, धीरे 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 पैसा बढ़ेगा, मगर आपको इमीजिएटली बना क्या, इमीजिएटली नहीं बना। तो LIC क्या करती है, LIC आपको इमीजिएटली बना के देती 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ बना के देती। उसके बाद में आपका जो प्रीमियम है, सपोज 1 करोड़ का पॉलिसी ले लिया आपने 21 साल के लिए, तो आपका 6 लाख का 6 लाख 6 लाख 6 लाख भर के आपको भरना है 21 साल तक, बराबर। उसके बाद में ऐसे करके अपना 1 करोड़ का तो मैच्योरिटी तो दोस्त आएगा ना, 2 करोड़ तो 100% आएगा, और लॉयल्टी एडिशन अलग से आएगा, मतलब ये आपको 100% मिलने वाला है। और इसके लिए मैंने बोनस का भी दिखाया और ये भी दिखाया, तो क्रिएट एंड सेव, ये इसमें भी ऐसे पैसे करके थैली पकड़ के एक मैंने ऐसे एकदम ज़बरदस्त लिखा है, और कॉपी राइट है ये कोई भी नहीं रहे, ये इंस्टीट्यूट का ये कॉपी राइट है, अभी शुरुआत हो गए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, तो आपको क्रिएटिविटी कुछ दूंगा तो आप कुछ काम करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, और ऐसे ही मैं बोलते बोलते कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं आपको फ्री देने का मतलब क्या मालूम है, यूज़ नहीं होगा उसका, ये मेरा। और इसी के लिए मैं बोला ना, आपने 100 रुपये जिन लोगों ने दिया है, 100 रुपये दिया है, तो वो मैंने फ्री वाला प्रेजेंटेशन में आपको भेज दूंगा, वो है मेरे पास, वो आप ले लो, फिर यही चीज़ें उसके अंदर है, मगर अपडेटेड कॉपी नहीं उसके अंदर, 100 में आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे, वो मैं कल आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसमें झूठा नहीं होगा कि मेरे को 1 रुपये 100 रुपये दिया ना बस, और जो जिसने भी नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना 100 रुपये दिया ना उनको दूंगा, क्योंकि जिसने 1 रुपये नहीं दिया उसको काहे के लिए दूँ, ज़रूरत नहीं उसको, तो वो भी करे, ठीक है। हाँ, तीसरा चीज़ आपको भी ये तो हो गया आपका ये फॉर्मूला, हाँ, पैसे आपने सेविंग किया था। अभी मैंने ना वैल्यू ऑफ लाइफ में आपको समझाता हूँ, अभी देखो वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, देखो इंसान के जन्म में क्या क्या होता है, वैल्यू ऑफ लाइफ क्या होता है, लाइफ का वैल्यू, एम ऑफ योर लाइफ क्या है, परचेस ऑफ लैंड, जमीन खरीद लेता है आदमी, और दूसरा चीज़ क्या होता है, फ्लैट भी खरीद लेता है, एजुकेशन बच्चों का कर लेता है अच्छी ढंग से, मैरिज भी अच्छी ढंग से, उसके लिए पैसे जमा करता है, चिल्ड्रन अब खुद के उसके मतलब हॉबीज़ होते हैं, कभी सपोज जो उसका हॉबीज़ है उसके लिए तो पैसे लगते हैं, तो ये सब सारा करता है, फेवरेट नीड्स उसकी जो ज़रूरत है अपना 60 साल तक अपने खुद के बलबूते पर करता है, बराबर ना, ये तो बातें है आपको। और उसका दूसरा चीज़ क्या मालूम, अभी 60 साल के बाद क्या है, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, उनकी इनकम 0 होगी, पेंशन रहेगी कि नहीं पता नहीं, तो प्रॉब्लम रहेगा, तो वो आदमी को ना चैरिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। चैरिटी मतलब क्या, कोई देगा और मैं खाएगा, मतलब कोई ट्रस्ट में या इस्कॉन में जाकर उसे खाना खाना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा चिल्ड्रन चैरिटी के ऊपर आपको। और देखो चिंदानिया का हाल हो गया ना रेमंड में, बच्चों ने उसको बाजू में कर दिया, मैंने वीडियो भेजा था, तो ये जो बच्चों के हाथ में आप पैसा देना चाहते हैं कि बच्चे आपको संभालेंगे करके आप देख लेते, बच्चे आज से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आगे जाकर सपोर्ट कैसे करेंगे बुढ़ापे में, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, है कि नहीं, ये तो बात सही। अभी देखो ये सब सारा मैंने वैल्यू ऑफ योर लाइफ मैंने किसको समझाया, ये क्लाइंट को समझा दिया। अभी नीचे देखा व्हाट इज योर ओल्ड एज, व्हाट इज अबाउट योर ओल्ड एज, क्या क्या है। देखो आप 25 साल से लेकर के आप पैसा कमाते 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 एक बड़ा ग्राफ दिखा मैंने, और बीच में ओल्ड एज प्रॉब्लम्स क्या है क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपके बिल्स रहेंगे, लाइट का बिल रहेगा, रेंट का बिल रहेगा, हाँ, और फिर खा अपना रेशनिंग का बिल रहेगा, बिल तो बहुत रहते ना, है कि नहीं, कपड़े सिलाने के बिल है, सब कुछ बिल 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 यानी बिल, वो बिल आपको बुढ़ापे में आपके बच्चे देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। दूसरा चीज़ गिफ्ट कर, आपको गिफ्ट किसी को दे, आपके हॉबीज़ हैं, आपने बोला मेरे सिगरेट पीने के लिए मेरे को 10 रुपये दो, देंगे आपके बच्चे, नहीं देंगे, क्या खाने को मिलता है, चुपचाप बैठो तो सो जाओ उधर, बराबर है ना। और बुढ़ापे में थोड़ा सा भी किधर अपने किसी ने भी अलग भी किया, संन्यास किया, वो तो इतना गंदा लगता है, उनको फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे घर में हो उनको पालते नहीं अच्छे ढंग से, वो आपको अनाथ आश्रम में जाना है तो जाना, ये आपको समझाना है पार्टी को। अतः योर हॉबीज हो गया, आप पैसे के सिवा रह सकते क्या, किसको पूछेंगे आप पार्टी को,
पैसे किसी और कोई रह सकता है क्या? आप रह नहीं सकते है अभी, कमाते हैं कमाने के ईयर में, तो बुढ़ापे में क्या है, बच्चों के ऊपर जाएंगे? जाओ ना फिर पार्टी को बोलने का। आपको ये आपको समझाने का मैंने, मेरा जो है ना स्टाइल, ये आपको मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? अगर उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है तो मैं आपको दूंगा। अभी वो प्लान प्रेजेंटेशन की बात आएगी, अभी ये जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ प्रेजेंटेशन किट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझा दीजिए सर वगैरह, वो सब सारा मैंने तो कल ग्रुप में भेजा, आपने देख लिया। अभी देखो, अभी आपको लेना है तो भैया उसका 1000 प्राइस है, वो आपको चुकाना है। अगर चुकाएंगे तो आपको मजा आएगा दिखाने के लोगों को, अगर तो उसके अंदर वो भी एक पेज है। देखो ग्राफ कैसा रहता है मालूम है, शुरुआत करता है आदमी 20 साल से, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और फिर लास्ट में कुछ उसको थोड़ा 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 रहेगा, और फिर उसको वो अभी देखो 60 साल के बाद उसको 60 साल के या 65 साल के बाद उसको 2000 की पेंशन आएगी, कुछ काम की होगी क्या? नहीं ना। तो ये बैंक सेविंग आपका ना ऊपर नीचे जाते रहता है, और लास्ट में कुछ आपके हाथ में बचता नहीं है। तो बैंक में पैसा रखने से कुछ मतलब नहीं, और बैंक डूब गई PMGP जैसी, तो फिर और हालत बेकार। तो वो पैसे उठा करके बड़े FD वाले पैसे आप उठा के LIC के अंदर लेके आ सकते कि ना दोस्त? अल्लाह से। तो ये प्रेजेंटेशन काम आएगा। दूसरा चीज़, अगर आपने सेविंग कर लिया दोस्तों, रेगुलरली सेविंग किया 20 साल से लेकर 60 साल तक, तो सपोज उसके 10 लाख रुपए भी जमा हुए या 25 लाख हुए 50 लाख हो गए, तो लास्ट में ना उसको पेंशन मिलेंगे ना। एक उसके उसके पास में सपोज 20 लाख रुपए आ गए मैच्योरिटी में, सपोज उसने पॉलिसी ले ली है 10 लाख के, 20 लाख रुपए आ गए, 20 लाख के ऊपर 5% का इंटरेस्ट हम जोड़ लेते हैं, रहेगा कि नहीं पता नहीं मुझे, आगे जा करके 20 साल के बाद क्या होने वाला, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अगर वो 20 लाख रुपए के सपोज 5% इंटरेस्ट रहा भगवान की कृपा से, तो 20 लाख का कितना इंटरेस्ट आएगा बता मुझे? एक लाख रुपए आएगा, तो महीने का 10,000 आएगा। उसकी सपोज मैच्योरिटी आई 1 करोड़ की आ गई, 1 करोड़ उसने रख दिया और 5% रहा, तो 1 करोड़ का कितना होता है 5 लाख, तो महीने का 60,000 रुपये हो गया। तो ये पेंशन का स्कीम है, तो 1 करोड़ का मैच्योरिटी आने के लिए 50 लाख की पॉलिसी लेनी पड़ेगी दोस्त। तो 50 लाख की पॉलिसी लेना, वो बेचना आपको आना है, और इतने 50 लाख का कमीशन कितना आता है वो आपको पता है। 6 लाख का आपने लाया तो 35% कितना होगा गिन लीजिए ना, 1 लाख का 35,000 होता है, और उसमें आपको 1 करोड़ का पॉलिसी बेचने का मैं सिखा रहा हूँ, और वो भी सिस्टमेटिक वे से, वो मेरा स्किल है। और ये जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट, ये जो मैंने स्कूल क्यों बनाया, क्योंकि एजेंट को ट्रेनिंग देने वाला कोई माए बाप है नहीं, वो पेंशन मिलेगा, तो वो भी मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया है। और लास्ट में अपना ना इमोशनल टच देने के लिए ना, और पार्टी को आपको एक क्या पूछते मालूम है, यहाँ पे मैंने एक अच्छा ये दिया है, पोस्टर बनाया हुआ है और पोस्टर बनाया, तो पोस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट है जरा थोड़ा देख लेता हूँ मैं क्या है करके, मेरे हाथ में है अभी है। देखो यहाँ पे देखा ना, पेरेंट्स, यहाँ पे मैंने पेरेंट्स को दिखाया, मदर और फादर ऐसा लिखा हुआ है, उसमें सामने मनी दिखाई हुई है, और ड्रीम फॉर चिल्ड्रन क्या करते हैं, ड्रीम के सन क्या हो जाएगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, कुछ भी होगा, अच्छा होगा, और डॉक्टर्स डॉटर्स के लिए भी कुछ सपने देखते हैं, मतलब ये हो गए, और उनके एजुकेशन के लिए भी सपना कौन देखता है, ड्रीम कौन देखता है, माँ बाप देखता है। तो एजुकेशन में डॉक्टर होगा, ये होगा, मैरिज होगा, और आगे जाकर पेंशन भी मिल जाएगी। किसको पेंशन मिलेगी, वो जो आप जो क्लाइंट को समझा रहे हैं उसको। तो ये सब सारा जो है ना, ये उसको आप दिखाएंगे तो उसके सामने खड़ा रहेगा, इमेजिनेशन सामने होगा, तो फिर वो पॉलिसी बेचा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप जाते क्या लेके जाते, अरे मनी बैग का प्लान है, ऐसे है 20,000 आएंगे 5 साल के बाद, उसके बाद में 20,000 आएंगे, उसके बाद में 20,000 आएंगे, और लास्ट में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये समझाते दोस्तों। ये क्या मालूम है, समझदार लोगों का काम है, प्रेजेंटेशन किट बोलते हैं उसको, वो प्लान प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये जो है कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन की पहली बात होनी चाहिए, ये मैंने बनाया हुआ है, ये
कोई भी एजेंट नहीं समझाता है, खाली प्लान लेकर के बैठता है उधर जाकर के, इसीलिए ना पार्टी उसको टालती, आज नहीं देंगे कल नहीं देंगे, क्योंकि उसको उसका इम्पोर्टेंस ही मालूम नहीं होगा तो काय के लिए ले लेगा, कैसा लेगा बताओ मुझे ना, बताओ है कोई। और मैं भी लास्ट आपको मैं पेपर दिखाने जा रहा हूँ, वो पेपर इम्पोर्टेंट बात करता है आपसे, तो आपसे क्यों मतलब ये बात क्यों करता है, क्योंकि मैंने जो बना है ना उसके मेहनत से बना है, और ये मेरा ना लाइफ में जो मैंने एकदम जो एकदम आपको मैं टॉप जो चीज़ है ना मैं आपको देने वाला, और ये चीज़ आपको काम में नहीं आएगी ना तो मुझे बताओ दोस्त। यहाँ पे देखो मैंने जो भी अभी जो ये किया है अपना, देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ निकाला है, यू आर इंक्रीजिंग एज इन ईयर्स, यू आर इंक्रीजिंग एज इन ईयर है, इसके अंदर मैंने लिखा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना उसका जो ना इनकम है ना, मतलब उसके ऊपर जो खर्चा है एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंसेस है ना, तो शुरू से लेकर के ना 100 साल तक बढ़ते ही जाता है, क्योंकि 100 साल तक रहेगा तो पैसे लगेंगे ना, बचपन में तो माँ पिताजी काम उसको खिलाएंगे, जैसा जवान हो जाएगा नौकरी लग जाएगी तो खुद का खुद करेगा, मतलब उसके खर्चे तो जन्म होने से मरते दम तक है, ये तो मानते हैं अपना, तो एक अपना ग्राफ लिखा है। दूसरा चीज वो 20 साल का होता है वैसा उसका उनके इनकम जो है ना, जैसा वो बड़ा बड़ा होता है ना वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है, तो 60 साल तक जाएगी, और इमीडिएटली 60 साल में एकदम डाउन हो जाएगी, एकदम नीचे आ जाएगी, सीधा नीचे आ जाएगी, और सीधा नीचे आने के बाद ना इसके बाद में ना 60 साल के बाद पैसा कुछ भी नहीं रहेगा। और दूसरा चीज आपको मैं बताता हूँ उसका, और एक्सपेंसेस उसका जो है ना महीने का तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जाता है कि नहीं दोस्तों, इनकम तो है उसकी, एक्सपेंस भी बढ़ेगा कि नहीं, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गया, मतलब उसका खर्चे भी बढ़ गए, वो खर्चे 60 साल के बाद इमीडिएटली जीरो होंगे तो चलेंगे, 60 साल के बाद पैसे कहाँ से आएंगे दोस्त। तो ये सब क्वेश्चन मार्क करने के लिए मैंने ये जो प्रेजेंटेशन किट बनाया है, और ये प्रेजेंटेशन किट का 1000 रुपीज़ मैंने रखा है, जिनको चाहिए वो मेरे को पर्सनली मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते, ये जो मैंने नंबर दिया है ना जो बैक ऑफिस का वो नंबर, या नहीं तो एक स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर भी करो चलेगा, और फिर आपको ये चाहिए तो आप खरीद ले लो। ये जो है ये पूरा ये प्रेजेंटेशन किट है, और प्रेजेंटेशन किट को मैंने वो खाली मैंने आपको ना ईमेल आईडी में भेजने वाला हूँ, मैं तो ग्रुप में नहीं भेजने वाला, ईमेल आईडी में आपको अच्छा आएगा, वो जा करके फिर आपको साइबर कैफे जाके उसको कलर प्रिंट आउट लेनी है, और फिर लोगों को दिखाना घूमना है। उसके बाद में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान में बनाने वाला, तो कॉम्बिनेशन प्लान जो है वो आपको अलग अलग ढंग से मिलेंगे, तो उसके भी पैसे लगेंगे दोस्तों। यहाँ पे एजेंट कोई भी ना सोचता है कुछ करता है क्रिएटिविटी करता है तो उसके लिए पैसे जाते हैं, लेकिन आप ऐसा करके मेरे को भेज सकते हैं क्या, मैं आपको रेडीमेड दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना क्रिएटिविटी यूज़ किया, आप अपना क्रिएटिव यूज करके मुझे भेजो ना, तो उसका कीमत आपको समझ में आएगा। तो ये 1000 मांग रहा हो ना तो कुछ भी नहीं आपके लिए, लाखों रुपए मिलेंगे। हाँ 1000 जो है ना वो आप कुछ भी नहीं, आप लाखों रुपए, मैं बता ना लाखों रुपए कमाएंगे, मैं कमाया है और 25 साल में, और आप भी कमाएंगे, आपके पास गाड़ी बंगला कार सब कुछ, ये प्रेजेंटेशन लाने का हिम्मत रखता है। और ये मैं आपको बता ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कौन सा बड़ा नेता नहीं है, कौन सा बड़ा है ये अपना जो कोई भी आपको ना बोला ट्रेनर नहीं है, ये सब सारा कंसेप्ट आपको दिखा है, और ये उसके लिए क्रिएटिविटी की रहती है, उसके लिए ना आग लगनी चाहिए, दिमाग ना उसका चलना चाहिए, तो ये बनता है उसके लिए सब कुछ है ना, वो आप खुद क्यों बन नहीं सकते, आप अभी आपको कोई प्रश्न चिन्ह है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आप मेरे मैं आपसे खाली 1000 मांग रहा हूँ, 1000 में आपको किट दे रहा हूँ, उसके बाद में कॉपीराइट है, कॉपीराइट आप किसी को प्रिंट आउट देंगे और मुझे मालूम पड़ा मुझे वो फ़ोन आया और कुछ हो गया, तो फिर देने वाले को ना कॉपीराइट में मैं उसका फाइन भी लगाऊंगा, उसको जेल भी कर सकता हूँ, तो ये हो गया दूसरा, आप देंगे नहीं, आप लेंगे आपके लिए यूज़ करो, दूसरे को उसको कॉपी आप प्रिंट करके देंगे और फिर समझ में आया ऑल इंडिया से किधर से भी और फिर प्रिंट हो गया, तो फिर ये कॉपीराइट मैंने मिनिस्ट्री के अंदर मैंने किया है, तो फिर आपको उसका स्ट्राइक आ जाएगा, आपको पता है।
तो ये दोस्तों करना क्यों पड़ता है मालूम है, बहुत सारे ट्रेनर है ये सब लेकर के प्रिंट करके आपको बेच सकेंगे। मैं 1000 में बेच रहा हूँ ना, वो 500 में बेचेंगे या 200 में बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने बनाया तो नहीं है ना, कैसा यूज करने का उनको भी पता नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए उसकी कीमत लगाई मैंने 1000, चाहिए तो मेरे को मेरे अकाउंट पे आप 1000 डालिए, आपको तुरंत ये PDF आपके अकाउंट में आए, क्योंकि यह रेडी है, हो चुका हुआ है अभी, तो ये रेडी हो चुका है। तो उसका मैंने बाकायदा अपने मतलब मैंने ग्रुप में भी डाला है, आपको इंडिविजुअली भी अपने मैं डालूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, और मेरे भारत माता की जय हो, और मेरे भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दीपक।